मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रालय में सभी विधायकों के साथ बैठक की, जिसमें 5 साल के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए की राशि देने की बात कही। इसको लेकर पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने कहा कि 5 साल के लिए 100 करोड़ रुपए देना पर्याप्त नहीं होगा। जयवर्धन सिंह ने कहा कि एक योजना में ही 50 करोड़ रुपए लग जाएंगे और ऐसी कई योजनाएं हैं जिन योजनाओं में 50-50 करोड़ रुपए लगेंगे, तो 100 करोड़ रुपया देना पर्याप्त नहीं होगा। आपको बता दें कि एक दिन पहले मुख्यमंत्री ने बीजेपी विधायकों की बैठक ली थी और उन्होंने कहा था कि आगामी 5 साल के लिए अपने क्षेत्र का विजन डॉक्यूमेंट बना के विकास कार्यों का भेजे, जिससे विकास के लिए 100 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि ये जो बैठक के दौरान जो विधायक गण को इसमें आश्वासन दिया गया है 100 करोड़ की राशि का, ये किस योजना तहत दिया जा रहा है? क्या ये कोई नई योजना है जिसमें सिर्फ सत्ता पक्ष के विधायकों को ही फायदा दी जाएगी, या फिर जो प्रतिपक्ष के विधायक भी हैं, आखिर चाहे विधायक सत्ता पक्ष का हो या प्रतिपक्ष का हो, जनता से जुड़के हम सब आते हैं सदन के अंदर। और मेरी सीएम साहब से यही विशेष मेरी विनती रहेगी कि जब वो विधायकों को बुलाए संभागवार, तो उसमें भेदभाव ना करें सत्ता पक्ष में प्रतिपक्ष में, क्योंकि आखिर सभी लोग जनता से निर्वाचित होकर सदन में आए हैं। मेरी इसमें सलाह ये भी रहेगी सीएम साहब को कि अनेकों विकास कार्य ऐसे हर विधानसभा में हैं जो अधूरे पड़े हैं। अभी विधानसभा सत्र में पिछले हफ्ते ही अनेकों भाजपा के विधायकों ने भी जल निगम के द्वारा जो टेंडर किए गए हैं, कोई टेंडर 800 करोड़ का है, कोई टेंडर 1500 करोड़ का है, कोई टेंडर 3000 करोड़ का है, लेकिन इतने बड़े बड़े टेंडर करने के बावजूद एक भी जिले में जल निगम का कार्य पूरा ठीक से नहीं हो पाया है। ग्रामवासी भटक रहे हैं पानी के लिए। जैसा कि आप जानते हैं, अधिकतर मध्य प्रदेश में पिछले साल सूखा पड़ गया था और कहीं ना कहीं जल निगम की योजनाओं के द्वारा जो एक उम्मीद थी जनता को कि अगर इतनी बड़ी रकम खर्च हुई है तो पर्याप्त पानी नल के माध्यम से हर घर तक पहुंचेगा, वो अब तक नहीं हो पाया है। उल्टा लगभग जल निगम की हर योजना में भाजपा के दलालों ने 20% कमीशन ली है, काम अधूरा छोड़ दिया है। तो मैं सीएम साहब से आग्रह करूंगा कि उनके पहले जो सरकार थी, जब शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री थे, उस समय इन सब योजनाओं में जो बड़े घोटाले हुए हैं, पहले उन कार्यों की जांच की जाए। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।